दोस्तों आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे थे काफी दिनों से कि दुकान के लिए एक बेस्ट लेजर प्रिंटर के बारे में बताइए, कि दुकान खोलनी है हमें, ऑफिस है उसमें एक लेजर प्रिंटर हमें लगाना है, लेजर प्रिंटर हमें चाहिए, तो कौन सा लेजर प्रिंटर सही रहेगा एचपी के लिए खास करके। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एचपी के ही बारे में बात करेंगे और एचपी का कौन सा बेस्ट प्रिंटर आज के रेट में हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा एचपी का लेजर जेट 1005 ऐसा मार्केट बनाया हुआ है कि आज तक जो है वो अपनी छवि बिल्कुल वैसे की वैसे ही बनाई हुई है, लेकिन कंपनी उसको डिसकंटिन्यू कर रही है, वो मिलना बंद होने जा रहा है, वो मिल नहीं रहा है, जिसके वजह से एचपी का ही दूसरा मॉडल अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है या फिर उसके अंदर क्या डिफरेंसेस है, इन सभी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आप देख रहे हैं साईटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल, मैं हूं संजय। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि आपके दुकान के लिए खास करके लेजर प्रिंटर एचपी के अंदर कौन सा आज के रेट में लेना चाहिए। तो अगर हम पुराने ही प्रिंटर एचपी लेजर जेट 1005 की अगर हम बात करें तो ये ऐसी अपनी छवि बनाया हुआ है कि आज भी लोग इसके अलावा दूसरे किसी लेजर प्रिंटर पर जाना नहीं चाहते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये इतना ड्यूरेबल प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर में अगर हम ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो सभी ब्रांड में एचपी का जो लेजर प्रिंटर है वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, खराब नहीं होता। लोग यहां तक कहते हैं कि 1005 प्रिंटर अलग अलग तरीके का नाम देते हैं, ये बहुत ही बेहया प्रिंटर है, बहुत ही थेथर प्रिंटर है, ये जल्दी खराब नहीं होता। तो अगर कंपैरिजन की भी अगर मैं बात कर लूं, अगर देसी कंपैरिजन में करूं तो जैसे आज के रेट में जैसे मारुति कार है और एक ट्रैक्टर है, तो आजकल के जो प्रिंटर्स आ रहे हैं लेजर जेट वो मारुति कार है और जो M1005 है वो ट्रैक्टर है। तो मारुति कार और ट्रैक्टर का डिफरेंसेस आप खुद समझ सकते हैं। मारुति कार के लिए थोड़ा सा प्लेन रोड चाहिए, थोड़ा सा सही रोड चाहिए, और आपका वही ट्रैक्टर कैसे भी रोड कैसे भी रास्ते पर चला लीजिए, बिल्कुल सेम वही कंपैरिजन है यहां पर भी। तो जो 1005 है ये बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह काम करता है, कैसा भी जगह आप काम करते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी फोटोकॉपी करना है, कैसे भी चलाना है, 1005 बहुत ही सक्सेसफुल प्रिंटर रहा है एचपी का। तो सबसे पहले मैं ये डिफाइन कर देता हूं कि लेजर जेट एक्चुअली किनको लेना चाहिए। अगर जो लोग नए हैं नहीं जानते हैं तो ये भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि लेजर प्रिंटर एक्चुअली किनको लेना चाहिए। सबसे पहली बात, वो लोग जिनके यहां लाइट का कोई इशू नहीं है, यानी लाइट भरपूर रहती है, वो सिंगल बैटरी इन्वर्टर के भरोसे ना रहते हो, क्योंकि सिंगल बैटरी इन्वर्टर पर ये प्रिंटर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई भी लेजर प्रिंटर चलना मुश्किल हो जाता है, अगर चलेगा भी तो बैटरी बैकअप बहुत ही कम हो जाएगा। तो जहां पर लाइट का इशू है वहां के लिए लेजर प्रिंटर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखते हैं मीटर का बिल देखना है तो वहां के लिए लेजर प्रिंटर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके यहां बिजली का समस्या है, लाइट का समस्या है, तो आप इंकजेट प्रिंटर ही बाय करें, लेजर प्रिंटर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको मान करके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है इंकजेट प्रिंटर के अपेक्षा, इसके अंदर स्पीड आपको बहुत ज्यादा मिलती है, एक मिनट में 15-20 कॉपीज जो है ये निकाल देता है, ये सबसे बड़ी खास बात होती है। लेकिन एचपी लेजरजेट M1005 ये डिसकंटिन्यू हो रहा है। अगर मिलता है ये और आपको वाईफाई वगैरह से वायरलेस नेटवर्क वगैरह प्रिंटिंग नहीं देना है और सिर्फ दुकान पर आपको नॉर्मली फोटोकॉपी करना है, कंप्यूटर से प्रिंट निकालना है यूएसबी लीड के माध्यम से, तो आज भी अगर मिले तो आप एचपी का लेजरजेट 1005 M1005 प्रिंटर ले सकते हैं। आज भी ये बिल्कुल काम का है, लेकिन मिल नहीं रहा है। मिले तो बिल्कुल ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो क्या करें, तो कई सारे प्रिंटर भी आ गए हैं एचपी के।
126, 136, 138, ये सब सीरीज अलग अलग आ गए हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि प्राइसेस में 1500 का डिफरेंसेस आता है और मॉडल चेंज हो जाता है। अब यहां पर डिफरेंसेस आ जाता है कि आखिर में हम ले कौन सा, इतने सारे कंफ्यूजन है, तो ये भी कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, अगर ये नहीं मिलता है तो आप 126 में जा सकते हैं, एचपी का लेजर जेट 126A, 126NW। तो ये जो होता है, जो ए सीरीज है यानी 126A, ये सिंपल आप जो है मात्र यूएसबी से आप कनेक्ट करके आप जो है प्रिंट निकाल सकते हैं। और जो एनडब्ल्यू है वो नेटवर्क और वायरलेस वाला प्रिंटर है, यानी आप वायरलेस से, आप मोबाइल के माध्यम से भी आप उसमें प्रिंट आउट दे सकते हैं, नेटवर्किंग से भी जोड़ सकते हैं, जो ऑफिस में जोड़ा जाता है, कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाता है, जिस कंप्यूटर से मर्जी उस कंप्यूटर से दिया जा सकता है। बाकी टेक्निकली अगर हम डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, तो जो आपके एचपी M1005 यानी 1005 के अंदर जो कार्ट्रिज लगता है वो 12A लगता है, और आपका 126 सीरीज के अंदर जो कार्ट्रिज लगता है वो 88A लगता है। यहीं पर बड़ा डिफरेंसेस आ जाता है, 12A कार्ट्रिज जो है 88A से बड़ा होता है, 12A के अंदर आपका जो है कलर बहुत ज्यादा आता है, तो इस वजह से ये प्रिंट भी ज्यादा निकालता है। बहुत बड़ा ये भी एक डिफरेंसेस था कि 1005 आपको प्रिंट भी ज्यादा निकाल करके देगा, यानी कुल मिला जुला करके 1800 से 2000 पेज जो है आपके 1005 में निकलते हैं एक बार जो है कार्ट्रिज लगाने के बाद या एक बार रिफिलिंग करने के बाद। और वहीं पर अगर आप जो है 126 सीरीज का लेते हैं उसके अंदर 88A लगेगा, तो 1400 से 1500 के आसपास में जो है ये प्रिंट निकाल करके देगा, 1300 से 1500 के बीच में जो है आपको ये पेज निकाल करके देगा। तो यहां कार्ट्रिज का डिफरेंसेस आ जाता है। बाकी फीचर वाइज अगर देखेंगे आप, बिल्कुल एक्चुअली हम मोटे तौर पर बात करने वाले हैं, बिल्कुल एक एक जो है हम कंपैरिजन नहीं करेंगे थ्योरेटिकली, अगर आप उसका स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो थोड़ा मोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेजर डिफरेंसेस यहां पर जो आपको मिलने वाला है वो सिर्फ कार्ट्रिज का मिलने वाला है, जो कि आपको स्पीड भी सेम मिलने वाली है, और दोनों का कार्ट्रिज, सबसे बड़ी बात यह है कार्ट्रिज भी आपको प्राइसेस वही 300-400-500 रुपए में आपको मिल जाते हैं, और वहां पर जो है बस फर्क इतना ही है, 1005 होगा तो आप 2000 पेज निकालेंगे, और वहीं पर अगर आप 126 सीरीज का अगर आप लेते हैं तो वहां पर 1300 से 1500 पेज निकालेंगे एक बार में। प्राइसेस दोनों के कार्ट्रिज के सेम है, तो यहां पर 1005 में आपको 400-500 पेज एक्स्ट्रा का आपको बेनिफिट होने वाला है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी है कि वो मिल ही नहीं रहा, तो करें क्या, मजबूरी है, 126 सीरीज का भी आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 126A सिर्फ नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए, फोटोकॉपी, स्कैनिंग और कंप्यूटर से लीड के माध्यम से डायरेक्ट जो है प्रिंट आउट देने के लिए, और 126NW नेटवर्क एंड वायरलेस प्रिंटर है, जो कि आप वायरलेस से भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्किंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इतना ही डिफरेंसेस है, और ये सारे के सारे जो है 15 से 20,000 के बीच में आने वाले हैं। तो ये थोड़ा मोड़ा डिफरेंसेस रहते हैं, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप अपने यहां पर ऑफलाइन भी एक बार ट्राई करें, जहां पर आपको बेहतर प्राइस मिलता है आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। तो ये तो रहा इसके अंदर डिफरेंसेस इन दोनों के अंदर, तो 1005 मिले तो आप जरूर बाय कर सकते हैं नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए, नहीं मिलता है तो आप जो है एचपी का 126A या फिर 126NW ये बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट्स एचपी के लेजर जेट प्रिंटर में ये है कि ये कहीं पर भी रिपेयर हो जाता है, और ये 1005 का हर पार्ट, ट्रे टूट गया ट्रे मिलेगा, कार्ट्रिज मिलता ही मिलता है, कोई गियर खराब हो गया गियर मिलेगा, हर चीज जो है ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन तक अवेलेबल है, इजी, हर शहर में ये जो है रिपेयर हो जाता है, कहीं भी है आप बिल्कुल इमीडिएट रिपेयर हो जाता है, कोई भी पार्ट्स की समस्या नहीं है इन दोनों ही प्रिंटर में, 126 हो या 1005 हो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 136 है, 136A, 136W, 136A बिल्कुल नॉर्मल प्रिंटिंग है, यानी कि यूएसबी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अगर कंप्यूटर से करना है तो, बाकी फोटोकॉपी जो है सेम होगा, और W में आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी 136W इससे आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो है कार्ट्रिज बदल जाता है, 110A लगता है इसके अंदर, 110A लगेगा, यहां पर कार्ट्रिज आपका चेंज हो जाता है। इस कार्ट्रिज की भी कैपेसिटी 88A के बराबर है, यानी यह भी 1300 से 1500 के बीच में ही आपको प्रिंट करके देगा, लेकिन यह कार्ट्रिज अभी मार्केट में थोड़ा सा महंगा है, ये प्रिंटर आपका लेटेस्ट है,
136, 126 से लेटेस्ट है। बाकी फंक्शन वाइज जो बटन्स वगैरह होते हैं वो थोड़े इधर उधर आपको देखने को मिलेंगे, बाकी फंक्शन वाइज सब कुछ सेम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी लेटेस्ट होने की वजह से कार्ट्रिज इसका थोड़ा सा अभी आपको महंगा मिल सकता है, 1500-2000 के आसपास मिल सकता है। एक बार ट्राई करें मार्केट में, अगर इसका भी कार्ट्रिज अगर कम रेट में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो आप इसको भी आप जो है बाय कर सकते हैं। तो 136 में और 126 में कार्ट्रिज का डिफरेंस है। कार्ट्रिज 136 में 110A लगता है, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, और 126 सीरीज के अंदर जो है 88A लगेगा, जो कि बहुत ही सस्ता मिलेगा, 12A के बराबर मिलेगा, और 12A की तो बात ही अलग है, वो काफी बड़ी कार्ट्रिज है। उसके बाद 138 उसके अंदर अगर आपको लेना है तो कार्ट्रिज वही 110A लगेगा, लेकिन 138 FNW है, यानी कि फैक्स नेटवर्क वायरलेस ये प्रिंटर है। फैक्स वगैरह भी अगर आपको करना है, वायरलेस भी चाहिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी भी चाहिए, तो आप 138 FNW ले सकते हैं। इसके अंदर कार्ट्रिज वही 110A लगेगा, ये कार्ट्रिज भी महंगी है। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप सीधा 1005 नहीं मिल रहा है वही प्रिंटर चाहिए तो 126A लीजिए, बिल्कुल सेम प्रिंटर मिलेगा, सिर्फ बटन वगैरह का थोड़ा इधर उधर है और थोड़ा सा प्रिंट आउट आपको कम मिलेगा, मजबूरी है आपकी। तो ये सारे डिफरेंसेस थे HP के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आज के रेट में कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पहली बार चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।